वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी की पाठशाला। तो आज हम बात करने वाले DFCCL का यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2022 की जो 2021 की जो वैकेंसी थे उसका यहाँ पर 2022 में रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पोस्ट थी सभी के लिए यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल और मैकेनिक के लिए, मैनेजर के लिए पहले जारी कर दिया गया था, यहाँ अब एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जारी कर दिया। एसटी और ओपीडी के लिए भी जहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं किस किस के लिए जारी हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रही वो ऑफिशियल साइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो DFCCIL की ऑफिशियल साइट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डेडिकेट फ्रेड कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी थी आपके 2021, यहाँ पे CN नंबर एडवर्टाइज नंबर भी दे रखा है 04/2021। और यहाँ पे किस किस के लिए जारी हुआ है देख सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव एसटी के लिए, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। और आगे देखिए फ्रेंड्स, जूनियर मैनेजर ओपी और ऑपरेशन बीडी के लिए भी यहाँ जारी कर दिया गया। जूनियर मैनेजर सिविल और मैकेनिकल के लिए तो मैंने पहले आपको बता ही दिया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल का। फ्रेंड्स, ये रहा आपके रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल अगेंस्ट जो आपके CN नंबर दे रखा है। तो इसमें ये आपके 27 से 30 सितंबर के बीच में जो पेपर हुआ था उसके लिए यहाँ पे प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट DB के लिए यहाँ पे बुलाया और मेडिकल के लिए इनको बुलाया। और यहाँ पे कट ऑफ भी दी गई है। तो यहाँ पे अनरिजर्व की 103 गई है और लोएस्ट कट ऑफ जो है गई है 97 गई है, हाइट जो आपकी गई है 103 गई है। और EWS कैंडिडेट की बात करें तो 97 गई है और यहाँ पे लोएस्ट भी यहाँ पे आपके 97 ही गई है। और SC की बात करें 93 गई है आपके मैकेनिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी सेम ही गई है। बात करें ST की तो 85 गई है। और नेक्स्ट की बात करें PW कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 83.25 गई है और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 73 गई है। तो यहाँ पर कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा आपके हाई गई है। बात करें नेक्स्ट, तो आपके ये दे रखा है कि ये आपके ईमेल के थ्रू भी भेजा गया था गया होगा तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 4/2 स्कोर कार्ड चेक करने की यहाँ पे लिंक दी गई है फ्रेंड्स आपको। यहाँ पे 4 फरवरी शाम को 4 बजे से लेके आप 19 फरवरी 2022 तक आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हैं कि मैंने खुद कितना स्कोर किया है। और ये आपके ईमेल पे भेजा जाएगा और SMS पे भेजा जाएगा। और आगे की जो भी अगर कोई क्वेश्चन है, हेल्प डेस्क नंबर ईमेल आईडी भी दी गई यहाँ पे और टाइम टाइम बाकी सारी चीज़ें दे रखी है आपको। नेक्स्ट जो दे रखा है कि आपके DV के लिए इनको बुलाया गया है जिसका भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, इनको लिस्ट जारी की गई है। और नेक्स्ट जो बात करें तो यहाँ पे किस किस का यहाँ पे आया है ये देखते हैं। तो ये रही वो लिस्ट, यहाँ पे नाम दे रखे हैं, ये सीरियल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे 15 मार्च को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये डेट दे रखिए। और जो एंड डेट है वो मेडिकल होगा 16 मार्च को, मतलब 15 को तो आपका DV हो जाएगा और 16 मार्च को आपके मेडिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल की बात करें तो इसमें सिर्फ 14 स्टूडेंट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करें तो इसमें सिर्फ 14 स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। बाकी ये सब फॉर्मेलिटीज़ दे रखी है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, तो आप इसको देख लें। नेक्स्ट की बात करें आपके फ्रेंड्स, तो रिजल्ट फॉर द पोस्ट एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही आपकी कट ऑफ की बात करें सबसे पहले तो आपके, तो कट ऑफ की बात करें रिजर्व की यहाँ पे 98 गई है, लोएस्ट में आपकी 89 गई है। और नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे EWS कैंडिडेट की हाईएस्ट में 88.75 गई है और यहाँ पे भी यहाँ पे लोएस्ट में गई है 85.75। और यहाँ पे यहाँ OBC की बात करें तो 101.5 गई है और 86 गई है लोएस्ट में। और SC की बात करें तो यहाँ पे 87 गई है और 79 इसमें लोएस्ट में गई है। और ST की बात करें तो 81 गई है और 76 गई है। और PW कैंडिडेट की बात करें 77 और 59 गई है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें 83.83 और यहाँ पे लोएस्ट में 58 गई है। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई गई है इसमें। बाकी यही आपकी फॉर्मेलिटी दे रखी है, मैंने आपको बता दिया कि 4 तारीख से लेकर आपके 4 फरवरी से लेकर आप 19 फरवरी तक आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। ये लिंक आपको दी गई है और आपके ईमेल पे भी ये भेजा जाएगा। और अगर कोई क्वायरी है तो आप उनको हेल्प डेस्क जो आपके ईमेल दिया गया है उस पर आप कर सकते हो, बात पूछ सकते हो आपकी जो भी क्वायरी। तो ये सेलेक्टेड स्टूडेंट है। और तो यहाँ पे जो आपके
एसटी की बात करें तो एसटी का जो आपके डीवी कब होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसटी की डीवी की डेट दी गई है 24 मार्च को होगा आपके, और 25 मार्च को यहाँ पे मेडिकल होगा। तो ये इसमें एसटी में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं आइए देखते हैं। एसटी में आपके सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन में आपके 87 स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है और इनको डीवी के लिए बुलाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट की, बात करें नेक्स्ट रिजल्ट की फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे जारी हुआ है। तो यहाँ पे भी वही आपके डेट दे रखी है, और यहाँ पे जो कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स, तो 105 गई है हाईस्ट, लोएस्ट 103 गई है अनरिजर्व के लिए। AWS कैंडिडेट की बात करें 102 और 101, और OBC की बात करें 103, 101, और SC की बात करें तो SC में 103 और 98 गई है लोएस्ट, और ST की बात करें 99 गई है और 96 गई है। PWD कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे आपके 87 गई है, 84 गई है। एक सर्विसमैन की बात करें तो 79 गई है और 70 गई है। नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे वही दिखे, इसमें थोड़ा जल्दी बुला जल्दी मतलब आज इससे आपके स्कोर कार्ड लिंक ओपन हो गया है, तो आप अपना स्कोर कार्ड लिंक चेक कर सकते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन ईमेल और मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू भी आपको भेजा गया होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ये हेल्प डेस्क जीमेल भी दिया गया है। बात करें इसमें कितनों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये आपके डीवी की फॉर्मेलिटी दे रखी है, तो ये एग्जाम नंबर 1 दे रखा है। तो आपके इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, जो आपके डीवी होगा इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव में, तो वो होगा आपके 22 मार्च को, और मेडिकल होगा 23 मार्च को। और इलेक्ट्रिकल में बात करें तो ये लिस्ट दे रखी है, इसमें आपके टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल आपके यहाँ पे 42 यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं, 42 स्टूडेंट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया। तो जिसका भी आया है एक बार आप देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में सभी की PDF की लिंक दे दूंगा, तो आप देख ले। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी और मतलब आपके काम की न्यूज़ आपको पहुँचाता रहूँ सबसे पहले। तो बात करें चेक लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोवाइड इन DB में आपको क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहले तो आपको DOB का सर्टिफिकेट लेके जाना है, 10th की मार्कशीट लेके जानी है, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसके बाद में आपके यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको AWS का सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसके बाद में बोर्ड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके मेडिकल 10वीं और हाई स्कूल की और सेकेंडरी के बाद की जो भी मार्कशीट है उनको लेके जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फाइनल सर्टिफिकेट इशू बाई आपके यूनिवर्सिटी से हुआ है, इंस्टीट्यूट से हुआ है, बोर्ड से हुआ है, ITI डिप्लोमा डिग्री जो भी कर रखा आपने, जिससे भी भरा था, उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है। नेक्स्ट की बात करें तो यूनिवर्सिटी है एडवाइड जो GDP दे रखा है आपके, CGPA दे रखा है, लेटर ग्रेड, इंस्टीट्यूट मार्क, देन कैंडिडेट शुड प्रोवाइड अ परसेंटेज, आपको परसेंटेज फॉर्मूला प्रोवाइड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी दे रखी है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट की फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करें आपके यहाँ पे जूनियर मैनेजर OP ऑपरेशन और BD की बात करें, तो यहाँ पे आपके दिया गया है जो वो है आपके, सबसे पहले आपको DV होगा इसमें नेक्स्ट, उसके बाद एंट्री होगा, मेडिकल होगा, और इसमें किस किस का सेलेक्ट किया गया है, 31 तारीख को हुआ है ये जारी। तो बात करें इसमें आपका सबसे पहले एंट्री होगा, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का एंट्री होगा, और उसके बाद में गिविंग द मेरिट लिस्ट दी गई है, उसके बाद में डीव्यू किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन BD के लिए यहाँ पे आपको जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, बहुत सारे के स्टूडेंट दी गई है, लिस्ट दी गई है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की लिस्ट है 231 स्टूडेंट को यहाँ पे OP एंड BD के लिए सेलेक्ट किया गया है जूनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे। और नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड, तो ये रहा एक और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपके रिजल्ट जारी किया गया है एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ मैकेनिकल के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और ये आपकी सेम डेट दे रखी है। और जी आप कट ऑफ की बात करें, अनरिजर्व की गई 78, लोएस्ट गई 76, और यहाँ कोई कैटेगरी नहीं थी, और BW कैंडिडेट की 71 और 71 गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कट ऑफ भी देख सकते हो। और ये आपके यहाँ पे वही 2 तारीख से लेके 17 तारीख तक इसमें दे रखा है, और बाकी में अलग दे रखा है, किसी में 4 से लेके 19 तारीख तक भी, 19 फरवरी तक भी आप अपनी स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो। और बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे आपको DV के लिए बुलाया गया है, और 1 तारीख को जारी हुआ है, आप डेट भी देख सकते हो, 1 फरवरी 2022 को ये जारी किया गया है।
तो यहाँ पर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है वो सिर्फ तीन को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है पोस्ट एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, और इनका जो डीवी है 15 को और मेडिकल 16 मार्च को यहाँ पे है। और ये आपके डीवी की फॉर्मेलिटीज दे रखी है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, और इसकी पीडीएफ में पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको आप देख लेना। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, और आपके जितने भी अभी तो आपके स्टेशन मास्टर का भी आने का बाकी है, जो आपके ओपीडी है उसका, एग्जीक्यूटिव का भी आने का बाकी, अभी जूनियर मैनेजर का आया है, अभी एग्जीक्यूटिव का आएगा आपके, जिसमें आपके साइको होता है, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो उसका भी जैसे आ जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर इन्फॉर्म कर दूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।